हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मलाई से आप डायरेक्ट घर पे घी कैसे निकालेंगे। बहुत ही आसान तरीका है। तो चलिए चलते हैं मलाई से घी निकालने। तो यहाँ मैंने एक बॉल मलाई को फ्रिज में स्टोर करके रखा था। तो ये मेरी 10 से 15 दिन की स्टोर की हुई मलाई है। ये आप देख सकते हैं कि मलाई का रंग पीला है, क्योंकि ये गाय के दूध की मलाई है और ये फुल क्रीम दूध की मलाई है। फुल क्रीम दूध से मलाई अच्छी क्वांटिटी में निकलती है। मैंने यहाँ मलाई को किसी भी चीज़ से नहीं फेंटा है, मैं इसे डायरेक्ट पैन में ऐड कर रही हूँ। तो मैं यहाँ डायरेक्ट मलाई से घी निकाल रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। इसे अच्छे से मीडियम फ्लेम पर मेल्ट होने दें। तो ये देखें गाइस, कैसे धीरे धीरे हमारी मलाई मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। तो ये देखिए गाइस, हमारी मलाई मेल्ट हो चुकी है। मलाई से घी निकलने में थोड़ा टाइम लगता है, आप पेशेंस रखें। तो ये देखिए गाइस, अभी मैंने फ्लेम को हाई किया है, तो आप देख सकते हैं मलाई में अच्छे से बॉयल आ रहा है कि अब गाढ़ी होते जा रही है, आप देख सकते हैं। तो आप गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखें, नहीं तो ये तले से लग सकती है। और इसे कंटिन्यू चलाते रहें, क्योंकि आपका फ्लेम हाई रहेगा तो इसमें से जो मावा निकलेगा वो भी अच्छा नहीं बनेगा। अभी इसे कुक होते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और अभी ये बहुत ही थिक हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब मलाई से घी बाहर आने लगा है। इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे कंटिन्यू चलाना है, नहीं तो ये तले से लग सकती है और हमारी मावा भी जल सकती है। तो आप देख सकते हैं गाइस कि मलाई से घी निकलने लगा है। तो मलाई को हमें थोड़ा कुक और करना है, इसमें से घी और निकलेगा। तो आप देख सकते हैं गाइस कि हमारा घी और मावा दोनों अलग हो चुका है। हमारा मावा भी पिंकिश ब्राउनी हो चुका है। अब गैस ऑफ कर दें, इसे और कुक नहीं करना है। इसे और ज़्यादा कुक ना करें, नहीं तो मावा भी डार्क हो जाएगी और घी भी डार्क हो जाएगी। घी को ठंडा होने दें। अब एक बॉल में कॉटन के कपड़े को रखें। अब घी और मावा ठंडा हो चुका है, कॉटन के कपड़े में इसे डाल दें। अब कॉटन के कपड़े को चारों ओर से पकड़ लें। आप इस मावे से एकदम मार्केट जैसी घर पे मिठाई भी बना सकते हैं। तो आप देख सकते हो गाइस कि यहाँ मैंने 10 से 15 दिन की मलाई से 500 ग्राम घी निकाली है, मतलब हाफ केजी। अच्छे तरीके से कॉटन के कपड़े को निचोड़ लें। अब घी ठंडी हो चुकी है, आप इसे किसी भी जार में डाल सकते हैं। और देसी घी का बेनिफिट तो आपको पता ही है कि हमारी बॉडी के लिए घी कितना अच्छा होता है। तो आप इस देसी घी को चपाती में लगा के खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। या फिर आप इस घी से पुलाव भी बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं। आप इस देसी घी को किसी भी चीज़ में डाल के खा सकते हैं, ये किसी भी चीज़ में बहुत ही टेस्टी लगता है डाल के खाने में। तो आज मैंने आपको दिखाया कि आप बहुत ही आसान तरीके से कैसे घर पे ही मलाई से घी निकाल सकते हैं। और आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मेरे वीडियो के नीचे ज़रूर लाइक करें। और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, और बगल में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आज की वीडियो आपको पसंद आई तो मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताएँ। आप वीडियो को फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। और इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। तो आज मैंने आपको मलाई से घी निकालने का बहुत ही आसान तरीका बताया है। तो आज की मेरी मलाई से घी निकालने की वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, और अपना अनुभव हमें भी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। बाय गाइज़।